जय श्री कृष्ण, जय सियाराम। हनुमान चालीसा आज इतना व्यापक है कि विश्व भर में अधिकतर सभी लोग इसका पाठ भी कर रहे हैं और इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने अवध भाषा में लिखी थी और उन्होंने इतने मधुर ढंग से शब्दों को पिरोया कि इसको सुनने मात्र से ही सभी मंत्र मुग्ध से हो जाते हैं। और अगर इसका अर्थ हमें नहीं भी पता तो भी इसे सुनते सुनते हम अपने भीतर प्रेम को, श्रद्धा को और साहस को महसूस कर सकते हैं। हनुमान चालीसा जिसमें 40 चौपाइयां हैं और 3 दोहे हैं। जैसे जैसे हम इन 43 छंदों को इसके अर्थ के साथ जानते जाते हैं, वैसे वैसे ही हमें पता चलता है कि तुलसीदास जी ने इनकी रचना कितनी संवेदना के साथ की है, किस तरह से ये छंद हमारे मन में मंदिर का निर्माण करते हैं और किस तरह से सियाराम जी, हनुमान जी सहित इस मन रूपी मंदिर में स्थापित होते हैं और किस तरह तुलसीदास जी इन पंक्तियों के जरिए हमें जन्म की अवधारणाओं से, जीवन में साहस और अपने कर्तव्यों की अवधारणाओं से और मृत्यु और पुनर्जीवन की अवधारणाओं से मिलाते हैं। चालीसा यानी 40 छंदों वाली कविता। हालांकि हनुमान चालीसा में 43 छंद हैं, जिसमें से मुख्य 40 के अलावा इसे सजाने का काम करने वाले 3 दोहे, जिसमें से 2 प्रारंभ में आते हैं और 1 अंत में। मुख्य 40 दोहे मन में मंदिर का निर्माण करते हैं और प्रथम 2 दोहे मन मंदिर में प्रवेश के हैं और अंतिम निकास का है। पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। श्री का एक अर्थ है लक्ष्मी। जब हम जय श्री राम बोलते हैं तो उसमें श्री का अर्थ है जानकी, और जब हम श्री कृष्ण बोलते हैं तो यहाँ श्री का अर्थ है माँ राधा रानी। परंतु श्री का एक और अर्थ भी है, जब हम किसी को सम्मान देना चाहते हैं तो भी उसके नाम के आगे श्री लगाते हैं, और यहाँ तुलसीदास जी श्री गुरु से शुरुआत करते हैं, यानी वो अपने गुरु को आदर और सम्मान देना चाहते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज यानी गुरु के कमल रूपी चरणों की रज से निज मन मुकुर सुधारी। निज यानी अपने मन के मंदिर रूपी दर्पण को सुधारना यानी कि साफ करना। यह तुलसीदास जी के कहने का तात्पर्य है कि मन एक दर्पण की तरह है जिसे गुरु के चरण रज से साफ किया जा सकता है। यानी जैसे जब हम मंदिर की स्थापना करते हैं तो स्थापना से पहले उस जगह को शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं, और इसी तरह हमने अगर अपने मन को मंदिर के रूप में परिवर्तित करना है तो उससे पहले अपने मन को शुद्ध करना आवश्यक है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु की चरण रज लेकर अपने मन रूपी मंदिर को साफ करो, उसे शुद्ध करो। परनउ रघुवर बिमल जसु जो दायो को फलचारी, यानी मैं शुद्ध मन से श्री राम जी के विमल यश की महिमा गाता हूँ जो 4 प्रकार के फल देने वाले हैं। यानी जब हम शुद्ध और निर्मल मन से श्री राम जी के दर्शन करते हैं तो वो 4 प्रकार के फल देते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी सामाजिक व्यवस्था, अर्थ यानी धन समृद्धि, काम यानी कि आनंद और मोक्ष यानी संसार के बंधनों से मुक्ति। तुलसीदास जी यहाँ मन को दर्पण के समान मानते हैं। वो कहते हैं कि यदि शीशा गंदा हो तो हमें हर चीज गंदी ही दिखाई देगी, और इसीलिए जिस तरह शीशे को साफ करना जरूरी है जिससे हर चीज साफ दिखाई दे, उसी तरह अपने मन को भी हमें साफ करना चाहिए, और ये सफाई होती है श्री गुरु के चरण रज से, यानी हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और जब हम अपने मन को शुद्ध और पवित्र कर लेते हैं तो हम अपने इष्ट के दर्शन अपने मन रूपी मंदिर में कर पाते हैं, और हमारे इष्ट के प्रकाश से ये देह और देही दोनों ही प्रकाशमान हो जाते हैं।